हेलो स्टूडेंट, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज टोल्ड दैट इज 8 अपॉन 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन इंटीजर 1 अपॉन 8। मतलब कि क्या 8 अपॉन 9 जो है वो माइनस वन इंटीजर 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों का जवाब देना है। अगर है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना है, और नहीं है तो उसका भी हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि हमें ये प्रूफ करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि रेसिप्रोकल ये है या नहीं है। तो पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रूल क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज वन। मतलब कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करो अगर एक नंबर, अ गिवन नंबर, मतलब ये नंबर दिया हुआ है और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो आंसर वन आना चाहिए। मतलब अगर हम एक नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो वन आना चाहिए। तो अगर ये और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वन आएगा। अगर वन आएगा तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर वन के अलावा कोई और नंबर आया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। यही तो हमें प्रूफ करना है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। तो हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अ नंबर, यहाँ पे अ नंबर कौन सा है, दिया हुआ नंबर ये, तो हम लिखेंगे माइनस वन इंटीजर 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड विथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी यहाँ पे कहा गया कि ये है या नहीं है, तो पहले इसको यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो पहले तो माइनस रख ही देते हैं। 8 1 8, 8 + 1 9, 9 अपॉन, नीचे तो 8 ही आएगा, इंटू इसको कॉपी कर देते हैं। अब इसमें कटिंग वगैरह जो होता है वो करते हैं। ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 1, माइनस प्लस माइनस, नीचे 1 1 1, पर नीचे हम 1 लिखेंगे नहीं, बिकॉज अभी तुम आपको पता चल गया होगा कि नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। सो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 1। क्या वो 1 आया, नहीं, ये माइनस 1 आया। इससे ये प्रूफ हो गया कि 8 अपॉन 9 जो है वो माइनस वन इंटीजर 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, अगर 1 आता है यहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव 1, तो ये हम प्रूफ, तो ये साबित हो जाता कि हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन यहाँ पे माइनस 1 आया, तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे हियर द प्रोडक्ट इज नॉट वन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया वो 1 नहीं है। सो देयरफोर 8 अपॉन 9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और कौन से नाम से बुलाया जाता है, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। सो 8 अपॉन 9 इज द नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन इंटीजर 1 अपॉन 8, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ठीक है, सो अब इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही उसी तरीके से है। इसमें भी ऐसे कहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1 अपॉन 3। क्या ये 0.3 है वो 3 इंटीजर 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों है, एंड नहीं है तो वाई नॉट। दोनों में से जो भी कोई एक आएगा उसका हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है, कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि एक दिया हुआ नंबर जो है ये है, ठीक है, ये उसका और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, अभी इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लेते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर 1 आता है कि नहीं आता है। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो वही स्टेप लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, बिकॉज उसी का प्रोडक्ट अगर 1 आ गया तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, वरना नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 3/10 हो जाएगा, 10, बिकॉज 10th प्लेस वैल्यू है। मल्टीप्लाई विथ, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 3 3 9, 9 + 1 10, 10/10 ये आ गया, 3 तो नीचे ही रहेगा। अब ये कट, ये 10 1 10, तो 1 1 आ गया 1, यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है तो पॉजिटिव 1 ही रहेगा, और 1 1 1, तो नीचे 1 लिखेंगे नहीं, वो तो आपको पता ही है, सिर्फ ऊपर का 1 आएगा। तो देखिए इसका प्रोडक्ट 1 आ गया, तो ये जो 1 आया ये रूल सेटिस्फाई करता है इसके रूल के हिसाब से, तो हाँ ये प्रूफ हो गया कि 0.3 जो है वो 3 integer 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में माइनस 1 आया था इसलिए वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं था, इसमें 1 आ गया इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसका फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, हियर द प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। तो हमने वाई क्यों है उसका जवाब हमने लिख दिया कि हियर द प्रोडक्ट इज 1, देयरफॉर ये क्वेश्चन में से ही लिख देंगे 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 integer 1/3, मतलब 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 3 integer 1/3। सो है ये सम प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 integer 1/3। सो इस तरह से आपको ये दोनों सम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, ये तरीके से आपको सॉल्व करना है और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।